उस पराभक्ति के द्वारा वह मनुष्य वह मुझ परमात्मा में ही में परमात्मा को मैं जो जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जान कर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को दा करता हुआ मैं भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके सम बुद्धि यो रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण हो मेरे निरंतर मुझ में चित वाला हो उपयुक्त तो प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय होकर लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तेरा निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता उसको भी पुरुष का स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता भ्रमण कराता हुआ प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत तू सब प्रकार के परमेश्वर को ही शरण में जा उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है यह तो रहस्य ज्ञान को संपूर्ण शास्त्रीय प्रकार विचार कर जैसा चाहता जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। संपूर्ण गोपनीय में अति गोपनीय मेरे परम रहस्य वचन को तो फिर भी सुन तू मेरा अस्य प्रिय सखा है और इससे यह परम हितकारक वचन मैंने तुझसे कहा है। हे अर्जुन तू मुझ में मन वाला मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर तथा ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अस्य प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सच्चिदानंद गण सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर।